हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योति माहेश्वरी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ द चैनल ऑफ अन अकेडमी राजस्थान। इस पे मेरे आपको और भी पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। अभी हम जो करने वाले हैं, दैट इज़ द टॉपिक ऑन रूट वर्ड्स, हाउ टू मेक वर्ड्स, कैसे अपनी वोकेबलरी को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं रूट वर्ड्स की हेल्प से। एक हमें रूट वर्ड का मीनिंग पता होगा तो उसको कितने अलग अलग वर्ड्स के साथ जोड़ के हम नए वर्ड बना सकते हैं, इस पे हम कर रहे हैं। इससे पहले भी इन रूट वर्ड्स की 3 वीडियो आ चुकी है। आप इन वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। अन अकेडमी पे ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज़ करें ज्योति लाइव, ताकि आपको मिल जाए 10% डिस्काउंट। अन अकेडमी में क्या है, ज्वाइन करने के लिए क्या तरीका है, व्हाट इज़ द वे, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, आई वांट टू टेल यू। उससे पहले मैं मेरी क्लासेस का स्केड्यूल आपसे बता देती हूँ। दिस इज़ माय डेली रिचुअल। 12 PM जो मैं क्लास लेती हूँ वो स्पेशल क्लास होती है, जिसमें हम 5000 क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। अभी 5000 क्वेश्चन सीरीज के अलावा चल रही है रीड की स्पेशल क्लासेस। रीड की स्पेशल क्लासेस में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के MCQs करवा रही हूँ मैं, जितना भी सिलेबस है एज़ पर दैट सिलेबस। अब 10 क्लासेस रहेगी स्पेशल क्लासेस के अकॉर्डिंग, फिर वापस से 5000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 12 बजे डेली। 5 बजे मेरा रीड का बैच स्टार्ट होने वाला है, समापन नाम से ये बैच है। और भी टीचर इसमें क्लास ले रहे हैं। दिस विल बी अ फाइनल रिविज़न थ्रू MCQs ऑफ ऑल सिलेबस। मेरी जो है ये क्लास स्टार्ट होने वाली है 12 जुलाई से, 12th ऑफ जुलाई से शाम को 5 बजे। 6 बजे ग्रामर कोर्स चल रहा है सभी के लिए। RS के स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट्स में आ रहे हैं। 9 बजे बिहेवियर की क्लास है। जुलाई में यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम इसमें चैप्टर 4 में पहुंच चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। उसके बाद में अन अकेडमी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अन अकेडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कोड यूज़ करना है ज्योति लाइव। जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हैं, RPSC गोल्ड चूज़ करते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, वहाँ पर आपको रेफरल कोड यूज़ करना होता है। 12 मंथ, 24 मंथ ऐसे चूज़ करने होते हैं। तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने से 2 मंथ का अभी फ्री है, और 24 मंथ से का लेने से 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हैं, वो जो MCQs वगैरह अटेंड करते हैं, उनके लिए एक टेस्ट सीरीज़ है, फतेह RPSC स्कॉलरशिप टेस्ट। बहुत स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दे आर जॉइनिंग द क्लासेस, दे आर गेटिंग स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में उनको क्या मिल रहा है कि 100% स्कॉलरशिप, 6 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। रैंक 2 जो है सेकंड वाले हैं, उनको 6 मंथ का 50% स्कॉलरशिप। ये सारे आपको टीचर बता देंगे, आप क्लास में जाके पूछ सकते हैं क्या प्रोसीजर है। लर्नर्स विद एक्टिव सब्सक्रिप्शन आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, ये ध्यान रखें। आगे हैं प्लस, एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, आप अपने, जैसे आपने RPSC ज्वाइन कर लिया, आप अपने एजुकेटर्स का एक एक दो दो क्लासेस देख के डिसाइड कर सकते हैं। उन एजुकेटर्स को एनरोल कर लें अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सारी क्लासेस लाइव रहती है, आराम से घर बैठे ले सकते हैं, कोई भी कोर्स कर सकते हैं। एजुकेटर्स जो है दुनिया भर के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, कम्प्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव सीरीज़, आंसर राइटिंग, और ये सब अवेलेबल है। सो बहुत सारे फीचर है अन अकेडमी प्लस पे। और ये जो है यहाँ पर जो फीस आप जब चूज़ करते हैं, तो यहाँ जब कोड यूज़ करते हैं आप टीचर का, जैसे मेरा ज्योति लाइव है, तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। इसके अलावा मैंने बताया ही था 2 मंथ और 3 मंथ का एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है। सो जल्दी से सब्सक्राइब करें बिना देरी किए। अब सभी एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस की जा रही है, जैसे कि आपको पता है रीट का एग्ज़ाम सितंबर में है, ऐसे ही बाकी दूसरे एग्ज़ाम्स की डेट भी अनाउंस की जा रही है, पटवारी वगैरह की। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लें। अब रूट वर्ड्स करवाने का मेरा क्या कारण है, मैं क्यों आपको रूट वर्ड्स करवा रही हूँ, क्योंकि जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह करते हैं तो उनमें रूट वर्ड बड़े हेल्प करते हैं, और आप रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो लैंग्वेज फर्स्ट वालों के भी आते हैं, और LDC वालों के भी आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन RS वालों के भी आते हैं। तो आप सबके लिए, ये जो SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्या है, ज़रूरी है। इससे पहले हम रूट वर्ड्स कर चुके हैं 75 तक, जिसमें हमने
फर्स्ट वीडियो में 120 किए थे, सेकंड वीडियो में 21 से 50 किए थे, थर्ड वीडियो जो मेरी आई थी है उसमें हमने 51 से 75 कर ली है, आज ये फोर्थ वीडियो है इसमें हम 76 से स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं एक बार आपको शो कर देना चाहती हूँ हमने कौन कौन से किए हैं। पहले वाले में वीडियो में हमने किया था थी का मतलब क्या होता है, गोड धर्म से रिलेटेड होता है, लोजी किसी भी चीज़ की स्टडी से रिलेटेड होता है, फोबिया किसी चीज़ का डर, क्रेसी कोई गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं, सोमनिया कोई नींद से रिलेटेड होता है, सीएस किसी काम को करने से रिलेटेड होता है, साइड मर्डर से रिलेटेड होता है, एम्ब्यूल मूव करने से रिलेटेड, एनिम स्पिरिट से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, एंटी अपोजिट, आर्बर ट्री। उसके बाद में ऑटो हमने किया, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेम, बैनी मतलब अच्छा, कैटा मतलब किसी चीज़ को प्रभाव डालकर कम करना, सर्ट मतलब श्योर, सरकम चारों तरफ, क्लैरिटी, क्लाइन इंक्लिनेशन झुकाव, काउंटर अपोजिट। उसके अलावा हमने क्या किया, क्रैनियो मतलब खोपड़ी, क्रैड बिलीव, क्रिप्टो जब आ जाता है तो छिपा हुआ हो जाता है, क्रिप्टो छुपा हुआ, और क्यूमल हीप साइकिल वाला साइकिल, और डी आई ए मतलब एक्रोस बिटवीन, डिक्ट करना बोलना, डिक्टेट करना, डोमिन किसी पे मास्टरी करना, मास्टर करना किसी को दबाना, एथनो रेस पीपल, फंक मतलब फंक्शन से रिलेटेड वाला फंक, हेथरटो डिफरेंट अदर, हिस्टो मतलब टिश्यू से रिलेटेड है, हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अत्यधिक, इंफ्रा का मतलब होता है बीनीथ बिलो, इंटर बिटवीन अमंग जॉइंटली, जंट मतलब जॉइन और जुवेन यंग, किलो मतलब थाउजेंड से रिलेटेड, किलोग्राम्स लैब जैसे हम किलोग्राम्स और लैब वर्क हो गया, लेटर साइड हो गया, लेग्स क्या होता है पढ़ना, लेग्जिकल जैसे हम बोलते हैं, लाइबर फ्री हो गया। बाद में है हमारे पास लिंगू, लिंगू मतलब भाषा से रिलेटेड हो गया, एल ओ सी लॉग मतलब लोकेशन प्लेस से रिलेटेड हो गया, एल यू सी लाइट से हो, एल यू एम बी लाइट से रिलेटेड, मैक्रो ग्रेड से रिलेटेड, मैंड ऑर्डर से रिलेटेड, कमांड डिमांड, मैनिया पागलपन, मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मिनी कम से कम होता है, मैडी मिड को कहेंगे, मेगा हो गया ग्रेट, मैसो हो गया मिडल, मेटा मतलब किसी चीज़ पर चेंज, माइक्रो वेरी स्मॉल मिड बीच में, माइगर माइग्रेशन वाला मूव करना, मिली 1000वीं इकाई होती है, मोब हो गया मूव करना, मोट मतलब डेथ, मल्टी मतलब मल्टी टैलेंटेड कई होते हैं बहुगुणी वाले, म्यूट मतलब चेंज जैसे म्यूटेशन, म्यूटेट करना टू अंडर कोई चेंज, म्यूटेट का मतलब मैंने बताया था आपको, और नैरेटर टेल करना बताना, एनिटी नेट मतलब बॉन्ड जो चीज़ें होती हैं, नैव मतलब नया शिप सॉरी शिप नेविगेशन वाला, नैग मतलब नो वाला, नियो मतलब न्यू वाला नया, नोन मतलब नहीं हो जो, नोट मतलब मार्क वाला चिन्हित वाला, न्यूमर मतलब कई नंबर वाला संख्या वाला, ओमनी हर जगह प्रेजेंट होता है जो, ऑर्थो जो स्ट्रेट होता है, ऑस्टियो बोन से रिलेटेड हो गया, आउट का मतलब गोज आउट जो एक्सीड कर दे आउट बाहर अति वाला, ओवर एक्सेसिव, ऑक्सी मतलब शार्प। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं हमारे तीन वीडियो में, अब आज से हम स्टार्ट करते हैं इस फोर्थ वीडियो में पेन। पीछे वाले रिवाइज करवाने इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पुराने वीडियो देख के नोट्स बना ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ज्योति लाइव। आज का वर्ड है हमारा पैन, पैन का मतलब होता है आपने सुना होगा पैन इंडिया वर्ड, ऑल एवरीवन, ठीक है एवरीवन ऑल एनी, जैसे कि पैनेसिया एक वर्ड है, जैसे हम ये वन वर्ड करते हैं तो हम बहुत बार ये वर्ड करते हैं पैनेसिया, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रामबाण, हर बीमारी का इलाज जिससे हो, हर बीमारी का इलाज मतलब जहाँ पर मैक्सिमम उसका यूज़ किया जाए, जिससे क्या होता है क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, हर प्रॉब्लम को हर डिजीज़ में उस मेडिसिन को यूज़ किया जा सके वो होता है पैनेसिया। फिर है पैनोरमा, ऑल साइंस आपने देखा होगा आपके मोबाइल में भी ये एक फीचर होगा पैनोरमा का, जिसमें क्या कहता है ऑल साइड ऑल अराउंड व्यू, चारों तरफ का व्यू होता है जिसमें। पैनेथिज्म क्या होता है जो हर सारे गोड्स को माने, और पैनेडेमिक क्या होता है अफेक्टिंग ऑल, जैसे कि अभी कोरोना जैसी पैनेडेमिक सब जगह फैली हुई है। तो ये हो गया पैन का मतलब और, अब देखो आपको कितना इजी लगेगा जब आपको पता है पैन मतलब ऑल होता है, तो जब भी वो पैन पैन से के साथ कोई भी वर्ड जुड़ के आएगा तो ऑल तो उसमें आएगा ही आएगा, तो आप इस हिसाब से कर पाएंगे। फिर है पैरा, पैरा मतलब बियॉन्ड एबनॉर्मल असिस्टेंट बिसाइड्स
है ना, पैरासाइट जैसे आ गया, एन ऑर्गेनिज्म दैट लीव्स ऑन एंड ऑफ अनदर लिविंग बींग, जो किसी और पे रहता है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो गया पैरासाइट. तो पैरलर हो गया अलोंग साइड एंड ऑलवेज एन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल बराबर. पैराग्राफ हो गया किस चीज़ का, डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ पार्ट. फिर पी ए आर ए पैरा है, इसका मतलब हो गया प्रोटेक्शन करना किस चीज़ से. पैराशूट हमें प्रोटेक्ट करता है, पैरासोल अम्ब्रेला यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन, तो पैरा मतलब प्रोटेक्शन. फिर है पाथ, पाथ का मतलब हो गया फीलिंग, जैसे कि पाथ से रिलेटेड हम बहुत बड़े वर्ड्स याद करते हैं, एम्पैथी, सिम्पैथी, एंटीपैथी. तो ये वर्ड्स मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवाती हूँ सारे, क्योंकि दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये व्हाट इज़ द डिफरेंस, बहुत बार स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या डिफरेंस है चारों में. देखो, सिंपैथी वो होती है जिसमें आप सहानुभूति देते हैं किसी को, ये आपकी पर्सनल फीलिंग होती है. लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप इसलिए सहानुभूति देते हैं क्योंकि आपके साथ भी वैसा हुआ, नहीं. नॉर्मली अगर आप जा रहे हैं, आपने किसी छोटे बच्चे को रोते हुए देखा और आपने उसकी हेल्प कर दी, दैट इज़ सिंपैथी. ज़रूरी नहीं है आपके साथ वैसा हुआ है, बस नॉर्मली हम जब भी किसी पे दया करते हैं, चाहे कोई एनिमल हो चाहे कोई पर्सन हो. लेकिन एक जो एम्पैथी होती है वो होती है किसी की फीलिंग समझना और हेल्प करना में बड़ा फ़र्क होता है. समझना का मतलब जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, आप उसको समझ सकते हो क्योंकि आपके साथ भी वैसा हुआ है. तो जब सेम फीलिंग को हमने अनुभव किया है और हम जब समझ सकते हैं, या हम जब उस टाइम उसको जो सहानुभूति शो करते हैं, दैट इज़ नॉट सिंपैथी, वो होती है एम्पैथी. मान लो एक ऑर्फन बच्चा है और दूसरा ऑर्फन जब उस ऑर्फन को देखकर फीलिंग जो उसमें क्रिएट होती है और जो हेल्प की फीलिंग उसमें आती है, दैट इज़ एम्पैथी. ओके, अपैथी क्या होता है, कोई फीलिंग नहीं, कोई मतलब नहीं, स्टोइक जैसा होता है, उदासीन जैसा होता है, किसको क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल उसको देखता भी नहीं, हेल्प भी नहीं करता. एंटीपैथी होता है किसी को नफरत करना, फीलिंग ऑफ ग्रेट डिसलाइक, नफरत करना, सबसे अलग वर्ड ये है एंटीपैथी. तो आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट इज पी ई एल, पेल मतलब ड्राइव करना, कंपेल करना, फोर्स करना, किसी चीज़ को खींचना, जैसे कि रिपेल, किसी चीज़ को वापस करना, भेज देना, रिपेल कर देना. एक्सपेल, एक तो होता है अट्रैक्ट करना, जब हम बोलते हैं अट्रैक्ट, हम किसी चीज़ की तरफ खींचते हैं. एक होता है रिपेल, किस चीज़ से दूर जाते हैं, वो रिपेल होगा. एक्सपेल का मतलब होता है टू ड्राइव समवन, किसी को बाहर निकाल देना. कंपेल का मतलब होता है टू फोर्स टू एक्ट, किसी को मजबूर करना. तो पेल मतलब फोर्स से रिलेटेड हो गया. फिर पी ई आर, पी ई आर का मतलब क्या है यहाँ पर, पी ई आर का मतलब होता है थ्रू, थ्रू आउट, परमानेंट, लास्टिंग थ्रू आउट ऑल द टाइम, पर परमानेंट, जो हमेशा के लिए स्थायी होता है, परमानेंट. फिर उसके बाद में है परमेट, टू स्प्रेड थ्रू आउट, सब तरफ फैल जाना. परसिस्ट, जो कई लंबे समय के लिए रुके रहे. पेरेनियल, लास्टिंग थ्रू मैनी ईयर्स, पेरेनियल कई ईयर्स तक, है ना. तो ये होते हैं हमारे पर से रिलेटेड वर्ड. नेक्स्ट इज पी ई आर आई, पैरी, जैसे हम बोलते हैं ना पेरीफेरी, पेरीफेरल, कोई, जैसे कि ये एक एरिया है और इसके चारों तरफ ये इससे बाउंड्री बनी हुई है. तो ये बाउंड्री जो है यहाँ पर, जैसे कि आपके गार्डन बना हुआ है या कुछ भी बना हुआ है पेरीफेरल, तो हम उसको बोलते हैं चारों तरफ, पेरीफेरल. तो ये जो लाइंग आउटसाइड द सेंटर, सेंटर के चारों तरफ. तो पेरी से रिलेटेड आ जाए तो अराउंड हो जाएगा, एनक्लोजिंग हो जाएगा. पेरीडोंटल, पर्टेनिंग टू बोन टिश्यू अराउंड अ टूथ, जैसे एक दांत के चारों तरफ जो टिश्यू बन गया. और पेरीमीटर, जो आउटर बाउंड्री ऑफ एन एरिया. तो पेरी वर्ड कितना अच्छा वर्ड है, इससे आपको पता लग रहा है कि इसका मतलब अराउंड से रिलेटेड होगा, चारों तरफ से रिलेटेड. अब जो वर्ड जुड़ गया उसका मीनिंग नया निकाल देंगे हम. फीज, फीज का मतलब होता है नेचर, मेडिसिन और बॉडी. अगर कभी कभी इसका मतलब बॉडी से रिलेटेड भी बन सकता है, जैसे कि फिजीक. कभी कभी इसका मेडिसिन से भी बन सकता है, जैसे कि फिजिशियन. और कभी कभी इसका मतलब आपका नेचर से रिलेटेड हो गया फिजिकल. फिजिकल तो रिलेटेड टू बॉडी हो गया, फिजिकल तो हमारा शारीरिक होता है, इसलिए रिलेटेड टू बॉडी हो गया. और डॉक्टर से रिलेटेड हो गया फिजिशियन, फिजिक हो गया नेचर और शेप ऑफ वंस बॉडी. तो ये आपके वर्ड्स हो गए फिजिक्स. नेक्स्ट पोली, पोलीगैमी. पोली का मतलब क्या होगा, ये वो पोलीगैमी वाला, ये है पी ओ एल आई वाला पोली,
मेट्रोपोली, मेट्रोपोलिस सिटी से रिलेटेड होता है, पोली क्या होता है सिटी से रिलेटेड, हम बोलते हैं मेट्रोपोलिस, मेट्रो सिटीज़ जो होती हैं जहाँ महानगर जो होते हैं उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लार्ज सिटी, जैसे मुंबई है और कलकत्ता है, दिल्ली है, मेट्रोपोलिस सिटी हो गई वो। पॉलिटिक्स आपका हो गया एक्शन ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी, तो पोली वर्ड आपका सिटी से रिलेटेड आ जाएगा और ये पोली वर्ड आपका पॉलिटिकल से रिलेटेड आ गया। POLY पोली का मतलब होता है बहुत सारे, कई, मतलब एक साथ कई चीज़ें, जैसे कि आप एक साथ किसी के एक से ज़्यादा हस्बैंड होना, एक से ज़्यादा वाइफ होना, एक से ज़्यादा भाषा का इन्फ्लुएंस होना, एक से ज़्यादा भाषा बोलना, है ना, एक से ज़्यादा शेप्स होना, साइड्स होना, एक से ज़्यादा कलर होना। तो पॉलीक्रोम हो गया मैनी कलर्स, पॉलीगोट हो गया बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाला, पॉलीगोन हो गया मोर देन थ्री और मोर साइड्स, ज़्यादा साइड्स होना, पॉलीगोन हो गया। और पॉलीगैमी हो जाता है जब हम एक से ज़्यादा बात करते हैं वाइफ की, पॉलीगैमी। फिर है पॉन, पॉन का मतलब भी पीपल होता है, पॉन नहीं है ये, पॉप होगा, पॉप, POP पॉप है ये, सॉरी दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, हो जाता है क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है तो थोड़ी टाइपिंग एरर रह गए हैं, तो मैं इसलिए चेक करवा रही हूँ आपको साथ साथ। और स्टूडेंट जब बोलते हैं कि मैम हमें PDF शेयर कर दें, यही कारण होता है PDF ना शेयर करने का, क्योंकि हम कितनी भी मिस्टेक्स चेक कर लें कुछ ना कुछ रह जाती है, पढ़ाते वक्त वो हमारे जब सामने आती है तो आप लोग भी उसको सही कर लेते हो, अदरवाइज तो रॉन्ग ही याद कर लोगे। तो यहाँ पर पीपल है, तो यहाँ पर पॉप का मतलब पीपल से रिलेटेड है, पॉपुलर, पॉपुलेशन, पॉपुलिस्ट, अपीलिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, पॉपुलर होता है जो फेमस होता है, बहुत सारे लोगों को अपील करता है। ऑल द पीपल हु लिव इन पर्टिकुलर एरिया, पॉपुलेशन वो हो गया जो जनसंख्या होती है। अ सपोर्टर ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल, जो पॉपुलिस्ट होता है वो लोगों के हक के लिए सपोर्ट करने वाला हो गया। पोर्ट क्या है, पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना, किसी चीज़ को पोर्ट करना, जैसे आपने बोला ना हम सिम पोर्ट करवा रहे हैं, तो एक से दूसरी जगह कैरी करना। एक्सपोर्ट हो गया जब आप सामान एक, आप क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह सामान को भेजते हैं, पोर्टेबल हो गया। इम्पोर्ट हो गया जब आप सामान मंगवाते हैं, और पोर्टेबल हो गया जब सामान को कैरी किया जाने योग्य हो वो, और पोर्टर हो गया जो लगेज को कैरी करता है। तो कैरी से रिलेटेड पोर्ट आपका वर्ड आ जाएगा। POS पोज का मतलब होता है पुट करना प्लेस, डिपोजिट, पोज, पोज, एक्सपोज, पोजिशन, स्थान से रिलेटेड होता है। जब भी ये वर्ड आएगा स्थान जैसा वर्ड जरूर आएगा, जैसे प्लेस और ड्रॉप समथिंग, डिपोजिट हो गया जो जमा कराना, एक्सपोज होता है किसी चीज़ को ओपन करना सबके सामने, द प्लेस वेयर समवन इज, पोजिशन हो गया स्थिति, तो पोज वर्ड हो गया स्थान। फिर आगे है पोस्ट, POST पोस्ट मतलब बाद में, जैसे कि पोस्ट कोविड हम बोल रहे हैं, पोस्ट नेटल वर्ड मैंने बताया था आपको, पोस्ट के पोस्ट वेडिंग, तो पोस्ट थ्यूमस मौत के बाद, पोस्टपोन किसी चीज़ को बाद में कर देना, पोस्ट स्क्रिप्ट पहले लिखी हुई स्क्रिप्ट में कुछ और ऐड कर देना, तो ये क्या होता है पोस्ट बाद में, बिहाइंड। प्री पहले हो जाएगा, प्री वेडिंग, प्री शूट जिसे बोलते हैं, और अर्लियर, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, प्रीएम्बल जैसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट का पहले का जो प्रस्तावना जो होती है प्रीएम्बल, और प्रिपेयर हो गया तैयारी करना एडवांस में, तो ऑलरेडी पहले से पहले के लिए ये शुरू होता है, बिफोर के लिए ये होता है, तो यहाँ पर प्री वर्ड सफिक्स की प्रीफिक्स की तरह यूज़ लग जाता है, प्री वेडिंग, प्री डिलीवरी, ऐसे वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोब, प्रोब का मतलब होता है ये भी फॉरवर्ड के लिए यूज़ होता है, फॉर के लिए यूज़ होता है, इन फ्रंट ऑफ के लिए, बिफोर के लिए, से प्रोग्नोसिस पहले से ही बता देना व्हाट विल हैपन, प्रोलोग एक जो पैसेज होता है पहले मेन पार्ट से पहले, प्रॉफिट ये भी पहले से फ्यूचर के बारे में बता देना, तो ये प्रोग्नोसिस और प्रोलॉग और प्रॉफिट, तो ये क्या हो गया आपके बिफोर वाले। कोशिश करते हैं इस वीडियो में हम 100 तक पूरे कर लें। PUL पुल अर्ज होता है, कंपल्शन, एक्सपल्शन, इम्पल्सिव, अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज, कंपल्शन टू किक समवन आउट, एक्सपल्शन हैविंग अ स्पॉन्टेनियस अर्ज टू डू समथिंग, इम्पल्सिव फीलिंग, किसी काम को करने की बहुत अर्ज होना, तो अर्ज मतलब इच्छा है ना, अर्ज मतलब इच्छा या प्रार्थना, कंपल्शन स्ट्रॉन्ग अर्ज, अंदर से एक फीलिंग आना ऐसा।
PURGE, पर्ज, क्लीन, जैसे हम बोलते हैं एबोल्यूशन, किस चीज़ को, कैथारसिस, किस चीज़ को क्लीन कर देना, हटा देना, रूट अप कर देना, नष्ट कर देना, पर्ज हो गया। उसके बाद में है पुट, पुट किसके साथ लग जाता है, तो सोचने से रिलेटेड हो, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक थिंकिंग डिवाइस हो गया। डिस्प्यूट, ताकि जिस पे लोग सोचे, व्हाट अनदर पर्सन थिंक्स, टू डिसएग्री, मतलब किसी ने जो कहा है उस पर डिसएग्री करना, तभी तो डिस्प्यूट, झगड़ा हो गया। झगड़ा कब होगा, जब सामने वाले की बात जो सोच रहा है वो उस पर हम एग्री नहीं करें। इनपुट हो गया कि हम किस चीज़ को, इनपुट मतलब कोई जो भी थिंकिंग है उसको इन करते हैं, अंदर पुट करते हैं, इनपुट हो गया। तो पुट का मतलब थिंग से रिलेटेड हो गया। क्वार्ट मतलब फोर्थ, क्वार्टर, क्वार्ट मतलब किस चीज़ का चौथा हिस्सा, समय का चौथा हिस्सा हो सकता है, और मंथ का हो सकता है, ईयर का हो सकता है। तो वन फोर्थ जो होता है क्वार्टर होता है, क्वार्ट का मतलब गैलन जो होता है उसका फोर्थ पार्ट हो गया। क्वार्टेट मतलब म्यूजिकल कंपोजिशन होता है जिसमें फोर वॉइस होती है, तो चार से रिलेटेड होगा ये। रेडियो, रेडियो, रेडियो जब लगे तो रेडिएशन और किरणों से रिलेटेड, रेडियो एक्टिव, रेडियोलॉजिस्ट, तो एमिटिंग रेडिएशन, रेडिएशन को कम करने के लिए। और रेडियोलॉजिस्ट होता है समवन डायग्नोसिंग ट्रीटिंग विया रेडिएशन, तो जो डॉक्टर होता है वो रेडियोलॉजिस्ट, जैसे कि कोई कैंसर वैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, थेरेपी दी जाती है, तो ये जो है इस रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। फिर है रेट्रो, रेट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड, बैक, पीछे, रेट्रो एक्टिव, जब कोई चीज़ पास्ट की रिलेटिंग टू समथिंग इन द पास्ट, पास्ट से रिलेटेड है तो रेट्रो है। रेट्रो प्रोग्रेस टू गो बैक, वापस से पुरानी, एक होता है प्रोग्रेस करना, एक होता है रेट्रोग्रेस, प्रोग्रेस आगे बढ़ना हो गया, रेट्रोग्रेस पीछे जाना हो गया। रेट्रोस्पेक्ट मतलब किस चीज़ को, पास्ट इवेंट्स को क्या करना, याद करना, रेट्रो वर्ड, वेरी नाइस वर्ड, रेट्रो। RUPT, रप्ट, रप्ट होता है बस्ट, ब्रेक, आपने वर्ड सुना होगा, करप्ट मतलब कोई चीज़ ख़त्म होना जैसा, बस्ट होना, एकदम से कोई चीज़ बस्ट होना, मतलब यू कैन से जैसे कि ज्वालामुखी बस्ट होती है, टूटना, ऐसे बैंकरप्ट हो गया, तो कोई जो ब्रोक हो जाए, मतलब दिवालिया जिसका हो जाए, जो टूट जाए, पैसों के कारण टूटे। और इंटरप्ट, कोई जब बीच में बात करते हुए उसको डिस्टर्ब करे, तो वो ब्रेक हो गया। रप्चर, ब्रेक इन समथिंग, किस चीज़ में ब्रेक आ जाना, तो रप्ट का मतलब ब्रेक से रिलेटेड है। एसेन, सैन का मतलब हेल्थ से रिलेटेड है, सेन मेंटली हेल्दी, और सैनिटरी जो क्लीनिनेस और हेल्थ से रिलेटेड हो गया, सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ के लिए मेंटेनेशन हो गया, तो सैन मतलब हेल्थ से रिलेटेड है। और ये है इसका एक और 100 तक हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। SCEND, इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे की तरफ जाना, तो क्लाइम, गो, असेंड मतलब क्लाइम फॉरवर्ड, अपवर्ड, और फिर क्रेसेंडो, अ क्लाइम अप द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक को ऊंचा की ऊंचे बढ़ाना, डिसेंड मतलब गो, क्लाइम डाउन, नीचे की तरफ आना। तो SCEND जब लग जाता है तो वो हम क्या करते हैं, क्लाइम के लिए होता है, जाने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए। लेकिन जब डी लग गया तो वो अपने आप ही नीचे हो जाएगा, वर्ड का मीनिंग तो वही रहा। तो हमने इस तरह से जो वर्ड किए हैं आज किए हैं 76 से लेके 100 इन 25 वर्ड्स को, एक बार मैं बता देती हूँ, आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं और वीडियो सारी देखती जाएं। ये अभी एक दो क्लासेस और रूट वर्ड्स पे निकलेगी, इसको भी हम कर लेते हैं, ताकि हमारे कुछ वर्ड्स तो अच्छे से हो जाए, एटलीस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और थोड़ा सा वोकैबुलरी में स्ट्रॉन्ग हो जाए। सैन का मतलब हो गया क्लाइम से रिलेटेड हो गया, सैन हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ब्रेक से रिलेटेड हो गया, रप्चर्स, और रेट्रो मतलब बैकवर्ड, पीछे, और उसके बाद में रेडियो आपका रेडिएशन से रिलेटेड, क्वार्ट किस चीज़ का, वन फोर से रिलेटेड, और पुट हो गया सोचना, कंप्यूटर, पर्स हो गया सफाई, क्लीन, पुल हो गया अर्ज किस चीज़ की, प्रो मतलब बिफोर, प्री भी मतलब पहले, बिफोर, पोस्ट बाद में, POS पोस्ट, प्लेस पोजीशन वाला, पोर्ट करना किस चीज़ को, कैरी करना, पोप मतलब जो लोगों से रिलेटेड हो, पोली मतलब बहुत ज़्यादा, मल्टी, कई, POLI पोली मतलब सिटी से रिलेटेड है, और ये PHYS फीस, फीस मतलब जब आपका किसी भी चीज़ में जुड़ जाता है, फिजिकल, बॉडी, नेचर, सारी चीज़ें, इससे तीन चीज़ें बनती हैं। पैरी मतलब अराउंड, जो परिधि होती है, और PER पर मतलब थ्रो आउट हो गया इसका, PEL पेल मतलब आपको जो ड्राइव करे, कंपेल करे, फोर्स करे,
पाथ मतलब जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं। पैरा को होता है किस चीज़ से सेव करना, और एक पैरा होता है बिसाइड्स, के पास हेल्प करने वाला। पैन मतलब ऑल और एवरीवन। यहाँ से हमने शुरू किया था। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ करें ज्योति लाइव, ताकि आपको मिल जाए 10% डिस्काउंट। और अनअकैडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, वो है अनअकैडमी राजस्थान, उसे आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारे यूट्यूब वीडियो, हर टीचर की यूट्यूब वीडियो के लिंक्स मिलते रहें। और मेरे जो स्पेशल क्लासेस है 12 बजे वाली, वो भी ज्वाइन करें और हर क्लास में आएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है, आपके लिए फ़ायदे वाली है, आपके वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर। सारे वर्ड्स आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे, ताकि आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। कभी भी आपको दोबारा पढ़ना हो तो वीडियो नहीं देखनी पड़े, आप खुद से रिवीजन कर लें। आई होप मैंने कोशिश की है, मैं अच्छे से आपको समझाने की, समझ में आया होगा। जो भी वर्ड आप लिखते हैं, जिसका भी मीनिंग आप करते हैं, उसमें एक और या दो नए वर्ड ज़रूर जोड़ें, ताकि आपकी क्रिएटिविटी रहे उसमें वर्ड्स बनाने की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल है, और वैसे भी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने में भी बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।